अमेरिका की हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की एशिया और मिडल ईस्ट में बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। दरअसल हाल ही के दिनों में नस्लीय असमानताओं पर वैश्विक डिबेट चल रही है, इसके कारण बहुत सी कंपनियों पर सामाजिक दबाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐसा फैसला लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की एक प्रवक्ता के मुताबिक कंपनी क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस लाइन के प्रोडक्ट की भारत में बिक्री बंद कर देगी। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने न्यूट्रोजिन फाइन फेयरनेस लाइन को एशिया और मिडल ईस्ट के बाजारों से हटा लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया की कई बड़ी पर्सनल केयर कंपनियों की ओर से महिलाओं के लिए फेयरनेस प्रोडक्ट बनाती है। इन कंपनियों में है हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और लॉरियल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां फेयर एंड लवली, ओले और गार्नियर जैसे बड़े ब्रांड की फेयरनेस क्रीम की बिक्री करती हैं। फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री पर नजर रखने वाली यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के मुताबिक पिछले साल पूरी दुनिया में 6,277 टन स्किन लाइटनर क्रीम की बिक्री हुई थी। इन सब स्थितियों को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों की बातचीत में सामने आया कि हमारे डार्क स्पॉट रिड्यूसर या अन्य कुछ उत्पाद आपके खुद के अनूठी स्किन टोन की तुलना में गोरापन दर्शाते हैं। कंपनी का कहना है कि हमारा कभी भी ऐसा कहने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। कंपनी के मुताबिक अब वह इन प्रोडक्ट का उत्पादन या शिपमेंट नहीं करेगी, हालांकि स्टॉक खत्म होने तक उत्पाद आपको स्टोर पर उपलब्ध मिलते रहेंगे।